हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि जब आप दुबई जा रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखो। तो मैंने एक लिस्ट सी बनाई है छोटी सी, तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा तो जिसका आप यूज़ करके काफ़ी अपने पैसे बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो और अपनी बहुत वेस्ट जो होगी एफर्ट वो सब भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है दुबई जब आप जाते हो तो वह है वीज़ा। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन आती है वीज़ा के लिए, एक है या तो आप ऑनलाइन यहीं से लेके जाओ वीज़ा, दूसरा है वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है, अब वीज़ा ऑन अराइवल आपको इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, उनके पास तब वो ले सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल यूएस वीज़ा है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके ले सकते हो, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। 120 दिरहम लगते हैं, सिर्फ 120 दिरहम हो गए मतलब 2600 रुपये, 2600-2700 रुपीज़ हुए, हाँ इतने ही हुए। तो अगर लेकिन अगर आप ऑनलाइन लगवाते हो यहाँ से, जैसे मैंने एक मई ट्रिप से लगवाया था, ऑल्दो मेरे पास यूएस वीज़ा भी था बट क्योंकि मेरे साथ बच्चा था तो हमें लगे ऐसे पंगा ना पड़े कुछ कि उसके पास नहीं था यूएस वीज़ा, मेरे और वाइफ के पास था तो हमने यहीं से लगवाया। तो मेक माई ट्रिप से लगवाया, बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है, उसकी अलग वीडियो बनाई है, वहाँ देख सकते हो कि प्रोसेस क्या है। लेकिन उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, रफली 7,000 रुपये पर हेड लग जाते हैं। और तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, अगर आपके पास ये वाली ऑप्शन है तो ऑन अराइवल वहाँ जाके लो, सिंपल प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ है जी, वहाँ जाएंगे उसके बाद ट्रैवल कैसे करना है, तो उसके लिए या तो कैब से जा सकते हो आप, या आप वहाँ का जो मेट्रो सिस्टम है वो उसका एक एनुअल कार्ड होता है वो लोगे। ठीक है, तो कैब है बहुत एक्सपेंसिव इन द सेंस कि अगर आप उसे बैठ के उतर भी जाते हो ना, सिर्फ जो नॉर्मल कैब्स हैं उसका बता रहा हूँ मैं, हर एक का अलग अलग रेट है, लेकिन जो सबसे सस्ती वाली होती है उसका 12.5 दिन मतलब 12.5 दिन तो चार्ज है, मतलब आप बैठोगे तो 5 से वो स्टार्ट होता है, लेकिन आप उसी टाइम उतर जाओ चाहे तो उन्होंने 12.5 तो आपसे लेने लेने हैं दिन, जो कि बन जाते हैं कोई 300 रुपये के आसपास। ठीक है, और वो जितना चलेगी उतना ज़्यादा चार्ज करेगी। जैसे हमारा होटल था 6 किलोमीटर एयरपोर्ट से, ठीक है, तो हमारे 30 समथिंग दिरहम लग गए थे उसमें। और ठीक है, तो उसके बाद अब अगर आप लेते हो एनुअल कार्ड, ठीक है, तो उसके अंदर आती हैं आपके पास दो ऑप्शन आ जाती हैं मोटी मोटी, अगर आप एज टूरिस्ट ले रहे हो, या सिल्वर ले लो या गोल्ड ले लो। सिल्वर होता है 110 दिरहम का, ये सिर्फ रिचार्ज का बता रहा हूँ मैं आपको, 1 वीक का। ठीक है, और गोल्ड होता है 200 दिरहम का। ठीक है, इसके अलावा आपको पहले वो कार्ड लेना पड़ेगा जिसके होते हैं 25 दिरहम चार्ज, जिसमें आपको 19 दिरहम उसमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, वो 19 दिरहम आपको मिलेंगे। इसके ऊपर आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है 110 दिरहम का सिल्वर के लिए और 200 दिरहम का गोल्ड के लिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ट्रेन सेम है, सब कुछ सेम है, बस कंपार्टमेंट अलग है। गोल्ड का ना एक डब्बा सबसे आगे लगा होता है, और एक्चुअली अगर आप सोचो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गोल्ड लो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो जाता है, इतना मतलब इतने लोग होते हैं, इतना रश होता है, आप चढ़ ही नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ, एक स्टेशन के ऊपर हम एक जगह पर, हमारे आगे सिर्फ 2 या 3 लोग थे और हमारी 3 मेट्रो छूटी क्योंकि हम चढ़ ही नहीं पा रहे थे, वो 3 लोग भी नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद हमारी बारी आई और खड़े होकर आना पड़ा। ठीक है, चलो बच्चा था हमारे साथ तो हमें लोग सीट दे दे रहे थे, पर अदरवाइज नहीं है तो फिर भाई आप खड़े जाओगे, बहुत रश होता है। ठीक है, जब भी ऑफिस टाइम है या उसके बिना भी, जैसे संडे भी हम गए थे तब भी रश था, लेकिन नॉर्मल वर्किंग डेज में, क्योंकि अगर आप हफ्ता तो जाओगे, अगर दुबई जाओगे तो भाई बहुत रश होता है, तो ध्यान से गोल्ड अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। और जब आप वापस आने लगे तो इसको वापस करके जितने पैसे मिलते हैं वापस ले लो, क्योंकि अगर आपको चाहिए ना कि सुविनियर रखना है, कि होता है मेरे को भी है, तो उन्होंने क्या किया, कार्ड आपको वापस दे देते हैं, उसको वो कर देते हैं डिसेबल कर देंगे, और थोड़ा सा चार्ज भी कार्ड के, वो जो आपके जैसे एक तरह से 19 है ना दिरहम उसके अंदर, तो 19-38 दिरहम हमारे थे, जैसे दो कार्ड थे हमारे पास, बच्चों का फ्री होता है तो 12 साल से नीचे का फ्री होता है, तो 38 के हमेशा 24 तो उन्होंने दे दिए थे वापस, मतलब एटलीस्ट कुछ तो मिला हमें। ठीक है, तो वापस करो और कार्ड भी दे दिए, तो ऐसे सुविनियर अगर आपको चाहिए तो वो मिलेगा। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं। और तीसरी चीज़ है इसके बाद, जैसे सिम कार्ड चाहिए होता है, राइट, तो वो आप जैसे ही आप लैंड करते हो दुबई पे और आपकी जैसे ही वो पासपोर्ट देख के उस पर स्टैंपिंग करते हैं, उसके साथ ही वो आपको जितने लोग मतलब स्टैंपिंग करवा रहे हैं अपना पासपोर्ट, उतनी आपको सिम कार्ड दे देते हैं जिसके अंदर 1 डे वैलिडिटी वाला और 1 GB डेटा होता है। तो DU कंपनी है उसका सिम कार्ड देते हैं, मतलब बेसिकली 1 डे वैलिडिटी, मतलब कि जैसे आप जब सिम डालोगे तब से लेके 24 आवर्स तक वो सिम वैलिड सही रहेगी। उसके बाद आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, अगर आप जैसे 2-3 लोग हो तो आप अगर 2-3 दिन के लिए हो तो वो आप बदल बदल के सिम यूज़ कर सकते हो, कि पहले 24 आवर एक की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। अगर वो नहीं तो भाई ये वाली सिम जैसे ही आपकी पहला दिन खत्म होता है और उसके बाद आप एक 49 दिरहम का रिचार्ज होता है, जो आप किसी भी DU के स्टोर पे जाके या फिर ऑनलाइन भी आप करवा सकते हो। उसके अंदर आपको 2 GB डेटा मिल जाएगा और 1 हफ्ते की वैलिडिटी मिल जाएगी, और शायद 100 मिनट्स या समथिंग ऐसा कुछ, आपको शायद 100 मिनट्स ही आपको मिल जाते हैं आपके कॉलिंग के मिनट्स। ठीक है,
इसके बाद अगली चीज आ जाती है जी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, जो मेरे को लगा सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड और सबसे एक्सपेंसिव टिकट्स में से एक थी इसकी। रफली कोई 4700-4800 रुपीज़ की उसकी टिकट थी पर पर्सन। और उसके अंदर अंदर जाके बिल्कुल बच्चों वाली चीजें थी कि जैसे जी हम फ्यूचर में ये कर देंगे, मतलब कुछ भी ऐसा भी नहीं कि इंटरेक्टिव हो, मतलब बस आपको दिखा रहे हैं कि हाँ ये स्पेस सूट है ऐसा है, मतलब जो आपने टीवी में देखा हुआ है वहां पर जाके आप उसको छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो फायदा क्या कि हम ये सारे प्लांट्स की स्पीसीज को ऐसे बचा लेंगे, इसमें रख लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं है अंदर, तो वेस्ट लगा मेरे को। और मेन जो उसकी चीजें जैसे उसका स्ट्रक्चर है वो फ्री में आपको बाहर से दिखता है, ठीक है, और जो अंदर से वो जो पोएट्री है जिसमें लाइट्स जलती हैं, वो जो पूरी अरेबिक सी होती है, वो भी टिकटिंग काउंटर तक जब आप चल के आते हो, आप जाओ म्यूजियम फ्यूचर तक जाओ, उसके टिकटिंग काउंटर उसके हॉल में बैठो आराम से, वहां तक तो टिकट भी नहीं लगती, आराम से जाओ मेट्रो स्टेशन से उतरो, टिकटिंग काउंटर तक जाओ, अंदर से पूरा पाथवे बना हुआ है, आराम से वहां बैठो। और वो जो उड़ने वाला जो दिखता है हमेशा म्यूजियम फ्यूचर में जो दिखाते हैं सिल्वर से रंग का वो बर्ड सा एक उड़ता रहता है जो रोबोट्स है, राइट, वो भी वहीं उड़ता है टिकटिंग काउंटर, जहाँ पे अंदर तो वो भी नहीं है। तो सारा ये फ्री में आप देख सकते हो, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा भाई इस पे पैसे मत वेस्ट करो, किसी और चीज पे लगा दो इसकी जगह। उसकी जगह जैसे मतलब उसकी जगह नहीं, मतलब जो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा वो है जैसे इवनिंग डेजर्ट सफारी, जरूर करो, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, खाना भी सही से देते हैं, मतलब इतना कोई मतलब बढ़िया नहीं बट कोई बुरा भी नहीं, और मैनेज्ड होता है, और ड्यून बैशिंग में मजा आएगा आपको। बाकी चीजें जैसे वो हॉक आपको बिठाना है, ATV अगर आपको चलाने का है, कैमल राइड है, वो काफी अच्छा है, वो डेजर्ट सफारी जरूर लो। डाओ रिवर क्रूज है वो मैं बोलूंगा मत लो, मर्जी है भाई, अगर आपको लेनी है उसमें अगर लोगे तो ये चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ बहुत सारे लगे होते हैं, अगर आप यूनियन जो स्टेशन है वहाँ जाओ, ठीक है, वहाँ पर आप वॉक करो जो देरा क्रीक है वहाँ तक, और वहाँ बहुत सारे लगे होते हैं, जो उस टाइम चल रहा है ना 5-10 मिनट में उसमें बैठ जाओ, क्योंकि हम बैठ गए, हमें बोला जी 9 बजे चल पड़ेगा, वो चला 9:30 और हम मतलब और हम 8 बजे बैठ गए थे जाके, तो भाई 1.5 घंटा हमने खराब किया उस पर, वैसे मजा आया। उसके बाद खाना उनका इतना गंदा बाहर से लेके आते हैं ठंडा सा, और देते ऐसे हैं भाई कि जैसे वो बच्चों को नहीं देते कि सर्व करें, आप लाइन में लोगों हम देंगे कितना लेना, वो भी गलत चीज़ है, मतलब वो बूफे जरूर है पर वो बूफे भाई वो है कि सर्व वो करेंगे, तो मेरे को तो पसंद नहीं आया था। तो डाओ रिवर क्रूज तो हाईली अवॉइड करो आप, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज़ है जी, हाँ दुबई एक्वेरियम है, अच्छी चीज़ है, अगर आपको जाना जा सकते हो, लेकिन आप अवॉइड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। रीजन भी कि जब दुबई मॉल में घूम रहे हो ना, तो उसकी वॉल्स इतनी बड़ी बड़ी हैं दुबई एक्वेरियम की, मतलब जितना मैं जैसे लंदन के सी वर्ल्ड सी लाइफ एक्वेरियम उसमें गया हूँ भाई, इतनी बड़ी उसकी अंदर भी नहीं थी जितनी इसकी बाहर से दिखती है, इतनी बड़ी बड़ी शार्क्स, वो रेज, मेंटा रे, स्टिंगरे, हैमर हेड शार्क्स, टर्टल्स, बाकी इतनी तरह की फिशेस आपको बाहर से दिख जाएंगी, मतलब हद से बड़ी वॉल्स हैं उसकी जो बाहर से दिखती हैं, और मतलब ऐसा नहीं है आपको देखने के लिए ही बनाया है वो बाहर से, तो वो बढ़िया है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको नहीं जाना अंदर जाओ तब भी ठीक है, बट बाहर से आपको दिख जाएगा। और हाँ, होटल होटल कहाँ लेना है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों को लगता है। देखो अगर आप देरा साइड लेते हो होटल, आपके बहुत पैसे बचेंगे, एक तो होटल सस्ता होगा इन इट सेल्फ, दूसरा जैसे आपको ब्रेकफास्ट करना है या डिनर करना है, ठीक है, वो आपको बहुत 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 सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू जो न्यू सिटी साइड है, या फिर शेख जायद रोड के पास जिस तरफ ये बुर्ज खलीफा या दुबई मॉल या ये सब है, या फिर इवन जो पाम जुमेरा है उस तरफ, वो बहुत एक्सपेंसिव एरियाज हैं, होटल बहुत महंगा। और पहली तो बात, अगर आप घूमने जा रहे हो भाई होटल में थोड़ी आप टाइम स्पेंड करोगे, अंटिल अनलेस आप बहुत जैसे वो एज लोग जाते हैं ना, तो वो ठीक है होटल वो रिजॉर्ट लेंगे और वहाँ आराम से पड़े रहेंगे बीच पे, अगर आप भाई घूमने जा रहे हो तो होटल पे तो पहली बात पैसे नहीं खर्चने चाहिए, तो सबसे सस्ता मिलता है। और देरा साइड पे और क्या है फायदा कि हाँ, तो देरा साइड का और भी क्या फायदा है, मतलब कि अगर आप उस साइड होटल लेते हो तो आपको जैसे गोल्ड सुक हो गया या फिर आपका ग्रैंड सुक हो गया, ये सब काफी पास पड़ते हैं, ये आपका जो क्रीक है वो पास है, तो आप एबरा बोट लेके दूसरी तरफ आराम से जा सकते हो, और उस साइड आपका अल-फ़हीदी नेबरहुड, दुबई म्यूजियम, ये सब काफी वॉकिंग है, मतलब गर्मी बहुत होती है बट स्टिल ये सारा कुछ काफी वॉकिंग में पास पास है। तो अब जैसे गोल्ड सुक का नाम लिया ना, तो गोल्ड सुक में काफी इंडियन जो क्या करते हैं दुबई जाके गोल्ड लेते हैं वहां से, कि दुबई का गोल्ड बड़ा फेमस है कि बड़ा अच्छा मिलता है, पहली बात वो 21 कैरेट मिलता है, इंडिया 22 कैरेट होता है, तो कोई मेरे हिसाब से तो अच्छे बुरे की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन में चेक कर सकते हो यहाँ पे 21 कैरेट है वहां का गोल्ड, वो खुद ही बोलते हैं 21 कैरेट है, तो यहाँ 22 कैरेट है, तो वो फर्क है। दूसरी बात फिर भी चलो, अगर आपने एज अ मोमेंटो या एज अ सुवनियर ले लिया वहां से गोल्ड, ठीक है हिसाब से लेना, ज्यादा मत लेना भाई, यहाँ बहुत चेकिंग होती है एयरपोर्ट्स के ऊपर आके, एक एक बैग को चेक करते हैं, जैसे आप इनफैक्ट जो ड्यूटी फ्री शॉप से भी चीजें लेते हो वो सभी स्कैनर में डालते हैं, क्योंकि आप अगर न्यूज फॉलो कर रहे हो या करते हो सुनते हो पढ़ते हो, तो भाई रोज पकड़ते हैं दुबई से इतने ग्राम या किलो सोना लेके आए छुपा के वगैरह वगैरह, तो इसमें मत फंसना, हिसाब से लो, बिल्कुल लिमिटेड लो, अगर लेते भी हो थोड़ा बहुत, जैसे हमने ली थी 3 ग्राम की, अपने बच्चे के लिए चेन ली थी 3 ग्राम की थी,
तो उसका क्या है, एक सर्टिफिकेट मिलता है टैक्स रिफंड का, वो जरूर ले लो। क्योंकि बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है ये टैक्स रिफंड लेना, कभी इधर भेजेंगे उधर। दुबई में शायद काफी लोग लेते हैं, इसलिए इतना सिंपल प्रोसेस है, हमें हार्डली 2 या 3 मिनट लगे होंगे। आपका पासपोर्ट लेते हैं, वो सर्टिफिकेट लेते हैं, उसको अपलोड करते हैं और आपको ऑप्शन देते हैं कैश में लेना है मतलब, या फिर आपको आपके कार्ड के ऊपर इंडिया में पड़वाने हैं वो वाले पैसे। तो हमने इंडिया पड़वाए थे और वो हफ्ते के अंदर आ भी गए थे वो वाले और पैसे। अब लास्ट की दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, मेन मेन। एक, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल ऑडियो कॉल वहाँ नहीं चलती, तो भाई इसका ध्यान रखना। आपको जितने वो फोन से फोन कर सकते हो आप इंडिया, जितने करने हैं नॉर्मल जो कॉल होती है, अगर आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करनी है ठीक है, तो आपको वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा, बट अदरवाइज व्हाट्सएप की वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल ही चलती है। मैसेजेस चलते हैं तो वो आप सेंड कर सकते हो ठीक है। और लास्ट पॉइंट में ये बोलूंगा कि यार कैश हिसाब से कैरी करो जितना करना है, कार्ड के भी इतने ट्रांजेक्शन चार्जेस होते नहीं एक्स्ट्रा, तो आप कार्ड से भी पे कर सकते हो मोस्ट जगह पे यहाँ पे दुबई के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख के अपना काफ़ी टाइम पैसे और एफर्ट बचा सकते हो, जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नोट की। तो थैंक यू, आप कमेंट करके और चीज़ें पूछ सकते हो। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।